अगर आप घर पर नौकर रख रहे हैं तो सोच समझ कर रखिए, नहीं तो आप किसी भी अनहोनी वारदात का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि राजधानी जयपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर एक नौकर ने अपने ही मालिक की मां पर कैंची से हमला कर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गया है। आपको बता दें कि यह घटना चित्रकूट थाना इलाके के गिरनार कॉलोनी स्थित रिद्धिराज अपार्टमेंट की है, और इस अपार्टमेंट की नवी मंजिल पर रहने वाला योगेश खंडेलवाल और उसका परिवार नाथद्वारा घूमने गया हुआ था कि घर पर अकेली योगेश खंडेलवाल की मां चंदा खंडेलवाल ही थी, और इसी दौरान घरेलू नौकर सुभाष ने चंदा खंडेलवाल के सिर पर कैंची से वार करके उसको घायल कर दिया। लहूलुहान हालत में नौकर चंदा खंडेलवाल को रसोई से घसीटकर ड्रेसिंग रूम में ले गया और हाथ पैर उसके बांधकर पटक दिया, और इसके बाद वह नकदी और जेवरात लेकर भी फरार हो गया। सूचना मिलने पर चित्रकूट थाना पुलिस और DCP वेस्ट विकास शर्मा और FSL टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। और फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस नौकर की तलाश और मामले की लगातार पूरी तरह से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रिद्धिराज जो फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट है, वहाँ पर एक जो नौकर था वो यहाँ पर एक महिला पर कैंची से वार करके यहाँ पर और नकदी और सोने चांदी के जो जेवरात है वो लूट के फरार हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना जिस समय वारदात हुई उस समय घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। 65 वर्षीय जो महिला थी जिसका नाम चंदा खंडेलवाल बताया जा रहा है, ये महिला घर पर अकेली थी। जो इनका जो नौकर है जिसका नाम यहाँ पर बताया जा रहा है सुभाष, ये सुभाष यहाँ पर अकेला था और उसके साथ में जो महिला थी चंदा खंडेलवाल वो यहाँ पर मौजूद थी। जब यहाँ पर कोई नहीं था तो उस नौकर ने यहाँ पर महिला को अकेली देख करके उसके ऊपर कैंची वार कर दिया। लहूलुहान हालत में यहाँ पर महिला को यहाँ से बांध करके ये जो नौकर है वो यहाँ से फरार हो गया। जब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कैंची से वार करने के बाद जब यहाँ पर किचन के अंदर उस पर वार किया, उसके बाद उसके हाथ पांव को बांध करके वह नौकर यहाँ से नकदी और इसके अलावा सोने चांदी के जो जेवरात है वो लेकर के यहाँ से फरार हो गए। फिलहाल पूरे घटनाक्रम का जब पता चला उसके बाद यहाँ पर DCP वेस्ट विकास शर्मा, इसके अलावा तो अन्य तमाम जो आला अधिकारी वो भी मौके पर आए हैं। इसके अलावा जो FSL की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौके पर आई है। तमाम जो साक्ष्य है उसको जुटाया जा रहा है। प्रारंभिक जो जाँच पूछताछ हुई उसमें सामने आया है कि यहाँ पर जो नौकर था सुभाष वो यहाँ पर काफ़ी समय से इनके यहाँ पर काम कर रहा था। जो महिला के जो बेटा है जो योगेश और उनका जो पोता है ब्रजेश वो यहाँ पर नाथ द्वारा गए थे। पूरा घटनाक्रम था यहाँ पर हुआ है। इसके बाद जो तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। जो फरार जो नौकर है फिलहाल उसकी यहाँ पर तलाश की जा रही है। कैमरा पर्सन रंजीत शर्मा के साथ यादव शर्मा, A1 TV न्यूज जयपुर।